Welcome to all in my YouTube channel Kanath Chemistry. Today we will discuss about the molarity and molality of pure water. आज हम शुद्ध जल के मोलरता और मोललता का मान ज्ञात करके देखेंगे. शुद्ध जल के मोलरता और मोललता का मान ज्ञात करेंगे. इसके संदर्भ में यदि एक प्रश्न लिया जाए तो प्रश्न हम लोगों का हो सकता है, सीधा सीधा एक क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग. शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करें. ये एक सीधा सा प्रश्न है, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करें. और अगर इसका आंसर बनाना चाहें हम लोग तो इसमें हमें यह ध्यान रखना होगा कि शुद्ध जल लिए हैं, अर्थात यहां पर विलेय, विलायक और विलयन सब शुद्ध जल ही है और उसमें कुछ भी नहीं है. तो थोड़ा सा अटपटा लगता है सुनने में, लेकिन सॉल्व तो करना है इसे हमें. तो शुद्ध जल की मोलरता आपसे कहा जा रहा है, विलेय भी जल है, विलायक भी जल है और विलयन भी जल का ही है. इस प्रश्न को बनाने में हम लोगों को जो सबसे ज्यादा सहूलियत होगी वो ये कि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है. यानी 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर जल का घनत्व होने का मतलब ये हुआ कि 1 लीटर जल का वजन किया जाए तो वो 1 किलोग्राम होगा. ये हम लोगों के हक में जाता है. प्रश्न को सॉल्व करने में ये सबसे ज्यादा सहायक होगा कि अगर 1 लीटर पानी लिया जाए तो उसका वजन 1 किलोग्राम होगा. और ज्ञात करना है हमें मोलरता, या मोललता भी निकाल सकते हैं. तो फिलहाल अगर मोलरता ज्ञात करना है तो मोलारिटी इज इक्वल टू होता है एन बाई वी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सीधी सी बात, मोलारिटी का मान होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. यहां से एन का यदि मान निकाला जाए, एन अर्थात नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यानी अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ वाटर. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे और सॉल्यूट की जगह यहां पे जल है, जल के मोलों की संख्या अगर हम लोग निकालेंगे तो H2O की मात्रा ग्राम में और डिवाइडेड बाई H2O का आणविक द्रव्यमान, H2O का आणविक द्रव्यमान. इस तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकल जाएगा. H2O की मात्रा अगर 1 लीटर H2O मान लें तो 1 लीटर H2O होगा, तो उसका मात्रा ग्राम में अगर किया जाए तो 1 लीटर का 1 kg होगा, यानी 1000 ग्राम लिख सकते हैं. और H2O का आणविक द्रव्यमान होता है 18 ग्राम प्रति मोल. तो ये इस तरह से हम लोगों का निकला N का मान, जो आएगा 55.5, ये मोल हो गया है. जल के मोलों की संख्या 55.5 आ गया. अब फॉर्मूला को देखने से पता चल रहा है कि हम लोग जल के मोलों की संख्या निकाल लिए और अब विलयन का आयतन लीटर में. तो इस फॉर्मूला को अगर दोबारा से हम यूज करें तो ध्यान दीजिएगा, मोलारिटी किसकी, शुद्ध जल की मोलरता की अगर बात करें तो एन बाई वी, एन का मान हम लोग निकाले हैं 55.5 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम यहाँ एन बाई वी, एन का मान रख दिया गया 55.5 मोल, यहाँ पर एन का मान रखे हम लोग, और भी जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, विलयन का आयतन लीटर में. तो विलयन का आयतन अगर हम लोग
एक लीटर ले लें तो यहां पर इसे एक लीटर लेते हैं और ये 55.5 मोल है, तो इस तरह 55.5 मोल पर लीटर आएगा, 55.5 मोल पर लीटर शुद्ध जल की मोलरता हमें प्राप्त होगी। शुद्ध जल की मोलरता यदि हम निकालना चाहें तो वो 55.5 लीटर आएगा। अब इस क्वेश्चन को हम ट्विस्ट करके भी देख सकते हैं, बदल करके देख सकते हैं। अगर इस प्रश्न में जल का कुछ आयतन ले लिया जाए और तब निकालना हो तो देखेंगे कि आंसर जो है वो सेम आता है। तो इस मेथड पर ना बनाकर इसे अगर थोड़ा सा मैं बृहद कर दूं तो इसी प्रश्न को दूसरे तरीका से आप एक बार देखिए। इस बार हम लोगों का प्रश्न में आयतन दिया रहेगा, जल का विलयन का आयतन दिया रहेगा और तब शुद्ध जल की मोलरता निकालनी होगी। यानी प्रश्न को ऐसा ना लेकर कि शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करें, प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम बना सकते हैं। 200 मिलीलीटर शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करें, मोलरता ज्ञात करें। इस बार हम लोग वॉल्यूम ले लिए हैं कितना, 200 मिलीलीटर, और तब इसी प्रश्न को बनाकर देखते हैं। तो मोलरता का जो डेफिनेशन होता है वो मोलरिटी इज इक्वल टू ए इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाई बी इंटू वी। ये सिंबॉलिक है, जहां पर मोलरिटी के लिए एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। सबसे सिंपल ढंग से अगर इस फॉर्मूला को बनाया जा सकता है तो इस तरह से ए गुना 1000 भागा बी गुना वी, जहां ए क्या है तो विलेय की मात्रा ग्राम में है, ए विलेय की मात्रा ग्राम में है, बी विलेय का आणविक द्रव्यमान है और वी विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन, और तब ये लीटर में नहीं मिलीलीटर में है, वहां 1000 से हम लोग गुना किए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग जानते हैं कि शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी है, तो शुद्ध जल में विलेय और विलायक सब जल ही होगा। तो इस आधार पर अगर हम ए निकालना चाहें तो ए है क्या, अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम है, अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम। और हम जानते हैं कि जल का आयतन और उसका द्रव्यमान दोनों बराबर होता है। तो 200 मिलीलीटर यदि जल दिया गया है हम लोगों को, तो 200 मिलीलीटर यदि जल दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि वो 200 ग्राम हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम 200 ग्राम हो गया, बी मोलेकुलर मास ऑफ वाटर और ये होता है 18 ग्राम प्रति मोल, जल का आणविक द्रव्यमान, जल का आणविक द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल, भी यानी विलयन का आयतन लीटर में, और विलयन का आयतन लीटर में कितना दिया हुआ है 200 मिलीलीटर, क्योंकि यहां पर विलेय विलायक और विलयन तीनों जल ही है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों जल ही है, शुद्ध वाटर है, शुद्ध प्योर वाटर है। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है भी, 1000 से गुना किया हुआ है तो इसको मिलीलीटर में हम लोग ले रहे हैं, तो भी बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर कितना दिया हुआ है, ये 200 मिलीलीटर में दिया हुआ है। अगर हम लोग मोलरिटी कैपिटल एम का मान निकालें तो ए के जगह
200 1000 डिवाइडेड बाई बी के जगह 18 ले लेते हैं और बी के जगह 200, तो इस तरह 200 200 कैंसिल हुआ और 1000 भागा 18 हुआ 1000 डिवाइड बाई 18, तो यहां से पुनः हमें 15.5 मोल पर लीटर मिलेगा, मोलरिटी का मान 15.5 मोल पर लीटर ही प्राप्त होगा। तो या तो सिर्फ शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करना हो, या 200 मिलीलीटर शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करना हो, या 500 मिलीलीटर शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करना हो, या कुछ भी, लेकिन जो आंसर है आपका वो 55.5 मोल प्रति लीटर ही आएगा। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है और इसमें हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्वेश्चन ट्रिकी है और थोड़ा इसमें सतर्क रहने की हम लोगों को आवश्यकता है। एक छोटी सी बात और, यदि मोलरता ना पूछकर आपसे मोललता पूछा जाए, यानी मोलरिटी नहीं पूछकर मोललिटी की बात की जाए, यानी मोललता की बात की जाए, तो फिर आप देखिएगा यहां पर कि मोललिटी यानी मोललता बराबर होता है ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई बी इंटू यहां पे हम लोग इसको W मान सकते हैं। अब ये W क्या है, तो ये अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मोलालिटी यानी मोलरता का जो परिभाषा होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के प्रति किलोग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। उस परिभाषा से मोलालिटी का जो फॉर्मूला प्राप्त होता है वो ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई बी इंटू डब्लू। सबसे आसान तरीका मानना हो तो यही मानते हैं, जहां ए क्या है, तो ए सॉल्यूट का अमाउंट है ग्राम में, बी सॉल्यूट का मोलिकुलर मास है, और यहां जो डब्लू है वो सॉल्वेंट का मास है, सॉल्वेंट का मास दिया गया है। 1000 से चूंकि गुना किए हैं तो W जो है सॉल्वेंट का मास है, लेकिन किस में, किलोग्राम में नहीं बल्कि ग्राम में है। तो यहां अगर इस फॉर्मूला का यूज करें तो देखिएगा मोलालिटी निकाल रहे हैं, मोललता निकाल रहे हैं हम लोग। और मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि यहां पर हम लोगों को एक बेनिफिट है प्योर वाटर के केस में, कि जो उसका मास और वॉल्यूम होता है वो सेम होता है, 200 मिलीलीटर का मतलब 200 ग्राम भी है, जैसा जरूरत पड़ा वैसा उपयोग करेंगे। और इस तरह से ए के जगह अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम 200 ग्राम, 1000 है ही, मोलिकुलर मास H2O का 18, और W क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, W है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, विलेय की मात्रा ग्राम में। तो इस प्रश्न में विलेय विलायक और विलयन सब जल ही है, तो विलायक की मात्रा ग्राम में 200 मिलीलीटर का मतलब हुआ 200 ग्राम। और इस तरह से पुनः कैलकुलेट करने पर आपका आंसर जो है वो 55.5 एम आएगा, 55.5 एम यानी मोल पर केजी होता है मोलालिटी का मात्रक, तो 55, या फिर हम क्या करते हैं उसे छोटा एम से डिनोट करते हैं। तो जो मोलालिटी है वो भी शुद्ध जल का या 200 ml जल का या 100 ml जल का या 250 ml जल का या 800 ml जल का, वो भी मोलालिटी भी 55.5 एम ही प्राप्त होगा। तो ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। और एक चीज और आपसे, आपको एक निर्देश भी मैं दे रहा हूं कि इस तरह से यहां 200 के जगह कुछ और रखकर इसी प्रश्न को बनाइएगा, 200 के जगह कुछ और रखकर सेम क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिएगा, आंसर यही आएगा। इससे ज्यादा इसमें और दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपनी ऊर्जा बचाएंगे और उसे मैथ फिजिक्स पर लगाएंगे। सभी सब्जेक्ट को आपको एक जैसा देखना है, तो केमिस्ट्री हम लोगों के लिए कोई ज्यादा कठिनाई वाली चीज नहीं है,
और केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैंने आपसे बार बार कहा है कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, मैं प्रयास करूंगा कि उसको सॉल्व करूं, आपको बताऊं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।